देखिए, लोकसभा में आज बजट पेश किया गया है और गारंटी एक ऐसा शब्द है जो यकीन दिलाता है कि उसके जीवन में बदलाव होगा, जो ये विश्वास पैदा करता है कि वो भी तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। और गारंटी जबकि देश के प्रधान की हो तो फिर वो यकीन इत्मीनान में बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को जो जो गारंटी दी उन्हें बजट में पक्का किया है। आधी आबादी से लेकर के अन्नदाता तक, राशन से लेकर के स्टार्टअप की रफ्तार तक, प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को दी गारंटी को बजट में पूरा कर दिया। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी अब सिर्फ भारत की सीमाओं तक नहीं रह गई है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े सूरमा भी प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पक्की मान रहे हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मोदी मतलब सबका साथ, मोदी मतलब सबका विकास और मोदी मतलब विश्वास। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो मोदी मतलब गारंटी बन जाती है। देश की जनता को गारंटी देना और फिर उन्हें पूरा कर देना, ये विश्वास ही मोदी की गारंटी में बदल जाता है। मोदी जो गारंटी देते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं। यही वजह है कि मोदी के विकास का ये विश्वास गारंटी बन गया। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को जो गारंटी दी पहले ही बजट में पूरी कर दी। महिलाओं को हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, उसे पूरा कर दिया। बजट में महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल के लिए क्रच बनाने का ऐलान किया गया है, ताकि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत न हो। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द वर्कफोर्स, वी विल फैसिलिटेट हायर पार्टिसिपेशन of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. अन्नदाता के लिए पीएम मोदी ने बजट में खजाना खोल दिया। किसानों को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी गारंटी को पूरा कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में खेती किसानी से जुड़ी योजनाओं और कार्यों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। 1 करोड़ किसान प्राकृतिक कृषि से जोड़े जाएंगे। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए जाएंगे। 6 करोड़ किसानों का भूमि रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। किसानों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। दलहन तिलहन मिशन लॉन्च किया जाएगा। सब्जी उत्पादन के लिए क्लस्टर बनाएंगे। इससे पहले अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कृषि के लिए 1.47 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा था। मतलब पीएम मोदी ने किसानों से जो वादा किया उसे अपने पहले बजट में ही पूरा कर दिया। Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oil seeds.
For achieving self-sufficiency in pulses and oil seeds, we will strengthen their production, storage and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गरीब जनता के लिए सबसे बड़ी योजना चला रहे हैं, जिससे गरीबों को राशन मिल रहा है, उनके घरों में चूल्हा जल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी को विश्वास में बदला। बजट 2024 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के तहत मिल रहे 5 किलो मुफ्त अनाज की डेडलाइन बढ़ाने की घोषणा की। गरीबों को मिलने वाला मुफ्त अनाज अगले 5 साल तक दिया जाएगा। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। केंद्र सरकार मुफ्त राशन पर सबसे ज्यादा बजट खर्च करती है, ताकि गरीब भूखे न सोए, गरीबों के घर हमेशा चूल्हा जलता रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वॉज एक्सटेंडेड फॉर 5 years, बेनिफिटिंग मोर देन 80 करोड़ पीपल। Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. मुद्रा योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के चेहरे पर बड़ी मुस्कान दी है। मुद्रा योजना को लेकर पीएम मोदी ने जो गारंटी दी थी, उसे पूरा कर दिया। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। खरीदारों को ट्रेड प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सके, इसके लिए पीपीपी मोड में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। सरकार ने बेरोजगारों को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए योजना को लागू किया था। इस योजना के तहत पहले युवाओं को नए रोजगार के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाता था, वह इस बार वित्त मंत्री ने लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इसमें मोदी सरकार ने स्टार्टअप्स को बड़ी राहत देते हुए सभी कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए एंजल टैक्स खत्म करने का ऐलान किया। सरकार ने सभी निवेशक श्रेणियों के लिए एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है, जिससे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। स्टार्टअप्स में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।